गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर अकेडमी अनदर सेशन। डेट है आज 17 जुलाई, शाम के बज रहे हैं 4:30। पूरे दिन निफ्टी ने अच्छी खासी एक रेंज के बीच में ही ट्रेड किया है, जिसमें कि तकरीबन 20 पॉइंट्स नीचे और 30 पॉइंट ऊपर, इसी के बीच में घूमती रही और फाइनली बंद हुआ है निफ्टी 11,687। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, नाम है शेयर अकेडमी। वीडियोस को कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोस आपके लिए किसी भी तरह से मददगार हो, आपको कुछ सिखा रहे हो या फिर आपको इनसे कोई ना कोई प्रॉफिट मिल रहा है या आपके पोर्टफोलियो बनाने में मदद करें। आप में से वो लोग जो चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर, जो कि हमारे मॉडरेटर का नंबर है। काइंडली मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स, कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए, क्योंकि शेयर अकेडमी चैनल और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर हम शेयर्स को करते हैं थॉरली एनालाइज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद शेयर्स में बाय करते हैं लंबे समय के लिए, मिनिमम पोजीशंस वीकली बेसिस और मैक्सिमम पोजीशंस ईयरली बेसिस या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो फॉर्म करने का काम करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्रा ट्रेडर हैं और संबंध में किसी तरह की मदद ढूंढ रहे हैं, सो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वी आर सॉरी। आज का ये सेशन फ्रेंड्स बेहद खास है, हालांकि ये हम अपने हर एक वीडियो में कहते हैं, बट ये वाकई बेहद खास है। और अगर आपको जानना है क्यों, तो आज की जो हमारी लाइव ट्रेडिंग की सेशन है, उस सेशन के अंदर जाइए और उसे देखिए, तब आपको पता चलेगा। आज का सेशन बहुत भारी बीता है, और भारी इसलिए बीता है क्योंकि सेशन जब रेगुलरली चल रहा था, उसके बीच में अचानक हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर, मेरे पोर्टफोलियो के ज़्यादातर शेयर्स नेगेटिव के अंदर हैं, रेड में हैं, और प्रॉब्लम ये हो रखी है कि अगर मैंने इन शेयर्स को अभी बेचा नहीं तो मुझे और पैसा डालना पड़ेगा, अपने ट्रेडर को देना पड़ेगा। हमने पूछा कि ऐसी क्या वजह हो गई, तो उसने कहा क्योंकि मैंने इसे लेवरेज कर रखा है। और ये बात सुनते ही पूरा का पूरा माहौल भारी हो गया पूरे सेशन का, और तब हमें पता चला कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है माइंडसेट की। अभी भी शेयर एकेडमी के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ माइंडसेट की प्रॉब्लम है, और फ्रेंड्स यही प्रॉब्लम है हम में से बहुत सारे लोगों की। क्यों, इमीडिएटली जो लाइव चैट का मैसेज था उसके अंदर मैसेजेस आने लगे कि आखिर ये लिवरेजिंग क्या है सर, ये लिवरेज क्या है, ये आदमी किस बारे में बात कर रहा है जो लिवरेजिंग के बारे में बात कर रहा है। नाम था सौरभ मानचंदा जी का, और उन्होंने बताया था इसके बारे में। सो बहुत ही भारी मन के साथ में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, और साथ ही आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि बेसिकली लेवरेजिंग है क्या। और अगर आपको नहीं पता है कि लेवरेजिंग क्या है, तो ध्यान से बैठकर सुनते रहिए, क्योंकि आज का ये सेशन अभी तक के इतिहास में शेयर एकेडमी के सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। और सेशन है कि लेवरेजिंग निवेशकों का सबसे बड़ा दुश्मन। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम पता है क्या है मार्केट के अंदर, हम में से हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है बट मरना कोई नहीं चाहता। एक नॉर्मल सा एग्जामिनेशन अगर आपको देना हो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड का, तो उसके लिए भी आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ती है, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके 70-80% नंबर आएंगे। अगर आपको 90-95 लाने हैं तो फिर आपको बहुत जमकर मेहनत करनी पड़ती है। बट प्रॉब्लम शेयर मार्केट की यह है कि यहाँ पर किसी को स्टडी नहीं करनी है, किसी को नॉलेज नहीं इकट्ठा करना है, किसी को मार्केट का ABCD भी नहीं पता होता है, और वो सीधे अपना पैसा लेकर कूद जाते हैं मार्केट के अंदर ये सोचकर कि उन्हें सब कुछ आता है और वो इस मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, अगर 50% मार्क्स लाने के लिए आपको पूरे साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इस मार्केट के अंदर भी रिटर्न निकालने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई तीसरा आदमी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा यहाँ पर। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई बिजनेस चैनल आपकी मदद कर लेगा, कोई न्यूज़पेपर आपकी मदद करेगा, यूट्यूब पर अवेलेबल कोई भी यूट्यूबर आपकी मदद कर लेगा, तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा सिवाय आपके और आपके नॉलेज के। अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप खुद अपने दुश्मन हैं। और अब ध्यान से सुनिए आज का ये टॉपिक, जो कि है लेवरेजिंग। क्यों हम चीख चीख कर कहते हैं कि अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, उसकी वजह आपको अगले आधे घंटे में समझ में आ जाएगी। क्या है बेसिकली लेवरेजिंग, और क्यों है ये निवेशकों का दुश्मन, क्यों दुनिया के दो सबसे टॉप के निवेशक हमेशा लेवरेजिंग के खिलाफ जाते हैं, अगर ये जानना है तो जुड़े रहिए इस सेशन के साथ। सबसे पहला, लेवरेजिंग बेसिकली है क्या, सो ध्यान से देखिए। डिक्शनरी पर अगर आप लेवरेज शब्द का अर्थ ढूंढने जाएंगे तो ये कहेगा, यूज्ड बरोड कैपिटल फॉर एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट मेड टू बी ग्रेटर देन द इंटरेस्ट पेएबल। यानी कि लेवरेज का मतलब है कि आपकी जेब में पैसा है 100 रुपए, तो कायदे से आप कितने रुपए का सामान खरीद सकते हैं, एट द मोस्ट 100 रुपए का। लेकिन अगर दुकान वाला कहता है कि भाई 100 रुपए तुम्हारी जेब में है, मैं तुमको 120 रुपए का सामान खरीदने की परमिशन देता हूं, सो जो ये परमिशन आपको दे रहा है वो इसे लेवरेजिंग कहते हैं, या आपकी कंडीशन में आपने जो ये उसकी फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया इसे लेवरेजिंग कहते हैं। अब सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए, कि दुकानदार अगर आपको 100 रुपए के बदले 120 रुपए का सामान खरीदने की परमिशन दे रहा है,
तो क्या इसमें दुकानदार का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर दुकानदार का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो इस दुनिया में कोई फ्री लंच जैसी चीज नहीं है। फिर कोई आदमी आपको 100 रुपए के बदले 120 रुपए का सामान खरीदने की परमिशन क्यों देता है? उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर? उसका वेस्टेड इंटरेस्ट तब तक रहता है जब तक आप प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं, यानी जब तक आप जो सामान खरीद रहे हैं उसकी कीमत घटने नहीं लगती है। आपने जो सामान खरीदा 100 रुपए का, इसकी कीमत अगर घट नहीं रही है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके सामान की कीमत 100 रुपए से घटकर 80 रुपए हो गई तो वो बोलेगा, भाई मुझे 20 रुपए तुम्हारी जेब से और चाहिए, मुझे 20 रुपए और दो, मैं ये घाटा सहन नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड लेवरेजिंग। मज़ेदार चीज़ यह है फ्रेंड्स कि बहुत सारे रिटेल निवेशक इस पर्टिकुलर टर्म को अच्छी तरह से समझते नहीं। और वो क्या करते हैं, ज़्यादातर रिटेल निवेशक जब फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी करते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा एक झांसा दिया जाता है कि फ्यूचर्स में आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मार्जिन कॉल देनी है, मार्जिन मनी देनी है। कितनी मार्जिन मनी होती है? 50,000। 50,000 देकर आप कितने का माल उठा सकते हैं? 10 लाख रुपए का मार्जिन मनी 50,000 दीजिए, 10 लाख का माल उठा सकते हैं। लेकिन आपको पता चलता है कि जैसे ही आपके 10 लाख रुपए वाले माल की कीमत 9 लाख रुपए हुई है, मार्जिन मनी में से आपके 10,000 तुरंत कट जाते हैं, आपका मार्जिन बचता है सिर्फ 40,000। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपको लेवरेज दे रहा है जो आदमी, उसे अपनी सेफ्टी चाहिए। और इस संसार में कोई फ्री लंच नहीं है। अगर आपने दोनों पैरों से नदी की गहराई नापने की कोशिश की और नदी ज़्यादा गहरी हुई तो आप नीचे चले जाएंगे। फाइनेंस में सबसे सही नियम वो है जिसका हमेशा से इंडियन इकोनॉमिक्स ने पालन किया है। कि आपको पता है ये चीज़ कि भारत के जो संस्कृति है उसके अंदर ही हमारे पास में डेबिट सिस्टम हमेशा से रहा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने हमेशा हमें सिखाया है कि पहले पैसा बचाओ, सेव करो 100 रुपए, उसके बाद उसमें से 80 रुपए खर्च करो, 20 रुपए फिर भी रखो इमरजेंसी के लिए। ये वो पर्टिकुलर आदत थी जिसकी वजह से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से इंडिया सबसे तेजी से बाहर निकला। सबसे कम असर इंडिया पर हुआ, उसकी वजह क्या थी कि हम क्रेडिट पर काम ही नहीं करते थे, हम हमेशा डेबिट पर काम करते थे, इसलिए हमारे पास हमेशा सेविंग के पैसे रहते थे हमारी जेब में। प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? जहां से आदमी धीरे धीरे क्रेडिट पर काम करना शुरू करता है। आपको अगर नहीं पता कि क्रेडिट पर काम करना क्या है तो समझिए, आप उधार लेकर किसी से और सबसे पहले गाड़ी खरीद लेते हैं और बाद में धीरे धीरे उस गाड़ी की किस्त चुकाते रहते हैं। अगर किसी दिन आपकी नौकरी चली जाती है तो बैंक वाला आपसे आपकी गाड़ी भी ले जाता है, प्लस आपने जो उधार लिया हुआ है उस पैसे को तो आपको वापस करना ही है। यानी आपके पास ना नौकरी है, ना ही गाड़ी है, और उधार अभी भी है जिसे आपको वापस करना है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ये सबसे पहला और बेसिक नियम है बिजनेस का, डेट। लेवरेजिंग डेट से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी कंपनी के बुरे समय के दौरान कंपनी पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन कंपनियों में आती है जिन कंपनी में डेट बहुत हाई होता है। और इसलिए आपको याद है कि शेयर एकेडमी जब भी किसी शेयर की परचेज के लिए उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करता है तब हम हमेशा कहते हैं कि कंपनी में डेट कितना है, डेट हमेशा कम होना चाहिए कंपनी में। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि जो भी कंपनी डेट लेकर काम करती है वो अपनी पोजीशन को लेवरेज कर देती है, और जो भी कंपनी अपनी पोजीशन को लेवरेज करती है उसमें बुरे वक्त में नुकसान होने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें लगता था फ्रेंड्स शेयर एकेडमी के स्टूडेंट होने के तौर पर कि ये सारी चीज़ें तो बट ऑब्वियस हैं, ये तो हर किसी को पता ही होंगी। बट जैसे जैसे हम आप लोगों को सिखाते जा रहे हैं और आप लोगों के साथ और वक्त बिताते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमको लग रहा है कि मार्केट में तो लोगों को कुछ भी नहीं पता है। मतलब उन्हें ये तक नहीं पता है कि एक डाउन ट्रेंड के शेयर को अवॉइड करना है और अप ट्रेंड के शेयर को खरीदना है, नहीं पता है। ये भी नहीं मालूम है कि आरकॉम और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में क्या फर्क है। ये तक नहीं पता है कि जेट एयरवेज और इंडिगो के बीच में क्या अंतर है। और ये तक नहीं पता है कि लेवरेजिंग मार्केट के अंदर नहीं करनी है। इस वजह से हमें यह सीरीज बनानी पड़ रही है। सो बेसिकली लेवरेज क्या है कि जितनी पोजीशन या जितना कैश आपके पास में है, जब उससे ज्यादा का अमाउंट का माल आप मार्केट से उठाते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में अगर 10,000 रुपए हैं और आप अगर 12,000 रुपए के शेयर्स खरीद लेते हैं, दिस इज कॉल्ड लेवरेजिंग। इस लेवरेजिंग को पूरा करने के दो तरीके हैं। एक, या तो आप 2,000 रुपए अपने अकाउंट में और डाल दीजिए तो 12,000 का माल खरीदा आपने, 12,000 पूरे हो गए। दूसरा, जब भी आपके शेयर का रेट नीचे गिरेगा, जो आपका ऑपरेटर है
या जो आपका ब्रोकर है उसे पूरा अधिकार होगा कि आपके जो शेयर्स हैं उन्हें बेच देने का। ये निवेश का तरीका नहीं है, ये बेसिकली ट्रेडिंग का तरीका है, और लेवरेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग शेयर एकेडमी कभी भी आपको नहीं सिखाता है, ना ही हम इसे इंडोर्स करते हैं। हम क्लियरली कहते हैं कि अगर आप एक ट्रेडर हैं या आपको ट्रेड करना है तो शेयर एकेडमी से मत जुड़िए, इसे अनसब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से दूर हो जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में लंबे समय में कभी किसी ने पैसा नहीं बनाया। अब सुनिए फ्रेंड्स, एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप ही के लिए। सर्च करते हैं हम गूगल पर वॉरेन बफेट ऑन ऑप्शंस। क्या कहा है वॉरेन बफेट ने ऑप्शंस के लिए? ओके, ऑप्शंस, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, आपके लिए ढूंढ कर निकालते हैं इसे। ओके, ये रहा ठीक आपके सामने, और क्या कह रहे हैं ये? डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्यों कह रहे हैं वॉरेन बफेट की डेरिवेटिव्स जो है वो फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है? क्योंकि डेरिवेटिव्स के अंदर सबसे ज्यादा लेवरेज इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा लेवरेजिंग इस्तेमाल होती है डेरिवेटिव्स के अंदर। आप सोचिए कि 5 लाख रुपए का माल अगर उठाना हो आपको फ्यूचर्स में, तो आपको मार्जिन कितना देना? 50,000, 60,000 रुपए का मार्जिन देकर आप 5-10 लाख का माल उठा सकते हैं। लेवरेजिंग की हाईएस्ट वैल्यू इस्तेमाल होती है। क्यों? जो नए नए ब्रोकर एजेंसीज आती जाती हैं वो बताती हैं कि फला ब्रोकर एजेंसीज पर 3 गुना मार्जिन अवेलेबल है, कोई कहता है कि 4 गुना, कोई कहता है कि 20 गुना मार्जिन अवेलेबल है। 20 गुना मार्जिन का मतलब क्या है कि 100 रुपये आपकी, मतलब 1,000 रुपये आपके अकाउंट में है, तो आप 20,000 रुपये का ट्रेड उठा सकते हैं। क्यों ये लोग इस तरह की स्कीम्स लाते हैं? क्यों ये आपको सबसे ज्यादा मजबूर करते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने के लिए? क्योंकि इसका बेसिक यही है कि आप जितनी ज्यादा ट्रेड करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी ब्रोकेजेस बनेगी, और जितनी ब्रोकेज बनेगी ट्रेडिंग फर्म्स का उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनका बिजनेस आपकी मेन ब्रोकेज से होता है। लंबे समय में पैसा सिर्फ और सिर्फ निवेश से बनता है, ये जब तक आप नहीं समझेंगे, और जब तक ये नहीं समझेंगे कि लेवरेज से दूर रहना है। क्यों? लेवरेज जुड़ा हुआ है डेरिवेटिव से, ऑप्शन फ्यूचर्स से, जो भी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं उनसे दूर रहना है। बनना है हर किसी को वॉरेन बफे, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो मानना नहीं है। और अब जरा फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए जो वीडियो क्लिप हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इंडिया के अंदर इंडिया के वॉरेन बफे हैं मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल जी। रामदेव अग्रवाल जी का 3 मिनट का एक इंटरव्यू है सिर्फ। इस चीज को समझिए फ्रेंड्स कि अगर आपको एक क्रिकेटर बनना है तो आपको जो क्रिकेटर महान हुए हैं उनकी बातें सुननी चाहिए, उसे समझना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये लग रहा है कि आप मार्केट के अंदर से रिटर्न निकाल लेंगे, तो लंबे समय के लिए निवेश आपको करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आपको इन सारे लोगों की बातें सुननी, सीखनी और समझनी चाहिए। जरा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि मोतीलाल ओसवाल के जो CEO हैं रामदेव अग्रवाल जी, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता है, 10,000 करोड़ रुपीज का पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, वो लेवरेजिंग के बारे में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? और इतने महान आदमी अगर कुछ कहते हैं तो इन चीजों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिए कि ये शख्स क्या कह रहा है लेवरेजिंग के बारे में और मार्केट के बारे में। अच्छा, खुलने वाला है, मतलब खराब होता था, बहुत खराब होता था, तो ये ऐसे, मतलब ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा लाइफ नहीं चल सकते, हम तो खत्म हो जाएंगे इसमें, विल बर्न आउट। तो देन यहाँ पर आपका गुरु का बहुत काम आता है, जैसे बफेट साहब के जो राइटिंग्स आप पढ़े हैं, तो धीरे 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 आप मेल्ट होते आओगे आप। अच्छा, हाँ, देन यू विल बिकम इम्यून, मतलब वो एक प्राणायाम है जरूर किया। अच्छा, उनके लेटर्स पढ़ना, उनका उनके बारे में क्या बात, वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि भाई आप बाजार को, मतलब रोज आप पिंग पोंग की तरह ऊपर नीचे नहीं जा सकते आप। बाजार का अपना रोल है, यू नो, एंड मिस्टर मार्केट, वो कभी पेसिमिस्टिक होता है, कभी बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, कभी बहुत एक्साइटेड होता है। ऐसा दुनिया में, तो जैसे इंडिया इंडिया है, और कभी ऐसा लगता है सबसे नरक है इंडिया। हाँ, ये दोनों चीज होती है ना, बिल्कुल होती है। तो उस टाइप का जो ऑप्टिमिज्म जब बिल्ड हो जाता है, और कभी अटर पेसिमिज्म बिल्ड हो जाता है, सो दैट अलाउज यू, आपको बाजार के साथ बहने की जरूरत नहीं, बट अपॉर्चुनिटी देता है आपको। हर रोज आपको बोलता है कि आज आज 1,000 रुपया, कल 500 रुपया, तो 500 आपको खरीदना है, 1,000 में आपको बेचना है, आपको जो करना है। बाजार एक बाजार आपका, कई लोग क्या समझते हैं, बाजार आपका मास्टर है, बाजार आपका सर्वेंट है। तो ये जो पोजिशनिंग जो है,
वो आप कैसे करते उसके ऊपर। मैं अपने बैठा भाई मेरे पास पैसा, मैं लीवरेज नहीं किया। मेरा सबसे बड़ा सोर्स स्ट्रेंथ कहाँ से आता है? लीवरेज से, उधार का पैसा। मैं उधार का पैसा रखता नहीं। शेयर बाजार में मेरे को, मैं पता नहीं कहाँ से समझ में आई कि मेरे को लीवरेज करने के लिए 100 रुपए है तो मैं 99 रुपए का ही शेयर खरीदूंगा, बहुत में बहुत 100 खरीदूंगा, कभी मैं 105 रुपए नहीं खरीदूंगा। अब जरा ये सोचिए फ्रेंड, एक शख्स जिसके पास इतना नॉलेज है, जो एक इतना बड़ा फर्म चला रहा है, जो एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, क्या वो समझदार नहीं है? क्या उसकी जेब में अगर 100 रुपए हो तो उसका मन नहीं करेगा कि 120 रुपए का माल खरीद लें और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं? क्यों वो आदमी चीख चीख कर यहां बिजनेस चैनल पर आकर कह रहा है कि मैं लेवरेजिंग नहीं करता हूं? वो पागल है वो आदमी? और हम ज्यादा समझदार हैं कि हम 100 रुपए के बदले 120 रुपए का माल खरीद लेते हैं? ध्यान से सुनिए, ये इंटरव्यूज बेसिकली हीरे हैं, ये हीरा है, ये नॉलेज है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपके पास में नॉलेज नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है मार्केट में बैठने की, और ना आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। ध्यान से सुनिए कि ये शख्स क्या कह रहे हैं। भाई जनरली क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप लीवरेज करते हैं। करेक्ट। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस कभी सही नहीं होता है। तो आप यदि मान लो एक के ऊपर एक ले लिया, आपने 200 रुपए का शेयर खरीद लिया, तो 100 रुपए में मान लो आपका 50% मान लो लॉस हो गया, तो आप तो जीरो हो गए रोड के ऊपर। अच्छा, एक बार आप जीरो हो गए, देन देयर इज नो चांस इन लाइफ। तो इक्विटी में बहुत जरूरी है कि आप अपना बैक कवर करके रखो। एंड जब तक आप यदि लीवरेज नहीं हो, तब तक आपको कोई खत्म नहीं कर सकता है। 10% जाएगा, 20% जाएगा, 100 का 80 होगा, 70 होगा, लेकिन वो टेम्परेरी है ना, कोटेशनल लॉस है, वो वापस आता है और जोर से आता है। आपने देखा ना, 40 साल में 100 रुपये वाला इंडेक्स हो गया 40,000, 39,000। तो लेकिन वहाँ बहुत एक्साइटमेंट हुआ है, 100 का 500 हुआ, 500 का 200 हुआ, 200 का 4200 हुआ, 4200 का 2300 हुआ, 2300 का फिर 6000, 6000 का फिर 3000 वाला 40,000। तो अब ये जो डाउन ड्राफ्ट जो है, कोटेशन लॉस जो है, वो आप समझो 50-60% भी आपको सहने की हिम्मत होनी चाहिए। ये पहले नहीं था, मेरे समझ में नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे समझ में आया कि आप यदि शेयर बाजार में है तो ये आपको ये झटके लगने वाले हैं। ठीक बात है, मतलब ये मतलब प्रकृति का खेल है। यदि शेयर बाजार में है तो आपको डाउन ड्राफ्ट देखना पड़ेगा। यदि आप डाउन ड्राफ्ट नहीं दे सकते तो आप शेयर बाजार के हो ही नहीं। ओके, मतलब यदि आप एफडी वाले आदमी हो गए आप। हाँ, एफडी वाले हो गए। और वही दैट इज अ रिस्क, जो बोलते हैं कि भाई शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में फर्क है, यही फर्क है। ओके फ्रेंड्स, सो ये वो शख्स हैं जो इंडिया के वॉरेन बफे हैं, और जो ये कह रहे हैं कि लेवरेजिंग वो कभी भी नहीं करते हैं, कभी भी उन्होंने किया नहीं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो आपका टेम्परेरी लॉस है, कि आपने फंडामेंटल शेयर्स देखा, अच्छा है, फंडामेंटली बढ़िया है, 30% डाउन है, ये टेम्परेरी लॉस है, क्योंकि लॉस आपने अभी बुक नहीं किया है, इसे आपको देखना आना पड़ेगा, तब आप मार्केट के अंदर बने रहेंगे। और वो शख्स लेवरेज नहीं कर रहा है, वॉरेन बफे हैं जो लेवरेज नहीं कर रहे हैं, जो ऑप्शंस को बोलते हैं कि फाइनेंशियल्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, डेरिवेटिव्स, उनसे दूर रहिए। और यहाँ हमारे जैसे लोग जिन्हें 6 महीने भी नहीं हुए मार्केट के अंदर, वो सोच रहे हैं कि हम उतरेंगे डेरिवेटिव्स के अंदर, लेवरेज करेंगे अपनी पोजिशन, उसके बाद उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हराएंगे जो इस मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जिनके पास में नॉलेज है, प्रोफेशनल डिग्री है, होल टाइम ट्रेडर हैं जो मार्केट के, पूरा सिस्टम उनके पास में है, हम उन्हें हराएंगे, क्योंकि मार्केट एक जीरो सम गेम है, एक का लॉस एक का फायदा। बट इसी इंटरव्यू में रामदेव अग्रवाल जी ने कहा कि निवेश में 100% लोगों का फायदा होता है, ट्रेडिंग में 98 लूज करते हैं, 2 कमाते हैं, और ऑप्शंस में और निवेश में 100% लोग कमाते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर हमने एक क्वेश्चन पूछा था लोगों से कि हाउ मेनी हैव मेड प्रॉफिट और लॉस इन इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। 46% लोगों ने लॉस किया है, 47 ने, जितने टोटल आई हमारे पास में, उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं मार्केट में, ट्रेडिंग ही नहीं की। केवल 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रॉफिट किया है। अब जरा लॉस की वैल्यू देखिए आप, कि हेजिंग के अंदर लॉस की वैल्यू क्या है। 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ है अभिजीत कुमार जी का। जस्ट ट्राइड टू सी ऑप्शन ट्रेडिंग, एक दिन इन्होंने ट्रेड किया था सलमान खान जी ने, 1,000 रुपए का लॉस हुआ, 5,00,000 का लॉस हुआ है 4 मंथ्स के अंदर, 1,50,000 का लॉस हुआ है फराज लोधी जी का एक दिन के अंदर। ये हैं लॉसेस जो कि होते हैं ऑप्शंस के अंदर, और ये फ्रेंड सत्य है, ये जो नहीं बताया जाता मार्केट में आपको कभी भी। ज्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसी के अंदर फंसा कर रखें आपको। क्यों? क्योंकि तब मार्केट में आपको मजा आने लगता है।
आपको मार्केट में आता है एड्रेनलिन रश, और तब आप मार्केट में प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए बैठे रहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि एक मशहूर निवेशक थे मार्केट के, जिन्होंने कहा था कि यू मेक मनी इन मार्केट बाय विदाउट डूइंग एनीथिंग, इफ यू आर एंजॉयिंग द मार्केट इट मींस यू आर नॉट मेकिंग मनी। सो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज और एनालिसिस के साथ में पेशेंस और लेवरेजिंग से रहना दूर। अगर इस 20 मिनट के वीडियो के बाद, इस आई ओपनिंग सेशन के बाद, वॉरेन बफे के इस कोट के और रामदेव अग्रवाल जी के उस वीडियो के बाद भी फ्रेंड्स आप लोगों की समझ में नहीं आया है कि लेवरेजिंग से दूर क्यों रहना चाहिए, और अगर जेब में 100 रुपए हैं तो सिर्फ 80 का माल खरीदना है, 120 का माल कभी भी नहीं खरीदना, अगर अभी भी आप नहीं समझे तो इस मार्केट में आपका लॉस कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से जिस हैबिट ने इंडिया को सबसे जल्दी बचाया, सबसे तेजी से बचाया, वो था सेविंग करना और जितने पैसे जेब में हैं उतने खर्च करना, कभी भी लेवरेजिंग नहीं करना। इसलिए ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो ये छोटी छोटी कॉल्स आपको देखने में मिलती हैं, जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स आपको बताए जाते हैं कि मैंने 5,000 डालकर 60,000 रुपए निकाले मार्केट से, 10,000 डालकर 1,00,000 रुपए निकाले मार्केट से, इन लोगों के पूरे महीने, 6 महीने या साल भर का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकाल लीजिए, उसे देख लीजिए, अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। उम्मीद है कि आज का ये सेशन न केवल आपके लिए आई ओपनर रहा होगा बल्कि आपको कुछ ना कुछ सिखाने में भी मदद करेगा। भारी मन से आमतौर पर हम सेशंस नहीं बनाते फ्रेंड्स, आमतौर पर आप देखते हैं कि हमारी एनर्जी बहुत हाई रहती है किसी भी वीडियो के अंदर, बट इस तरह के सेशंस में जहां की लोग गलतियां करते हैं ऐसी जो बट ऑब्वियस हैं, जिन गलतियों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, अगर वो गलतियां करते हैं तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है, मन थोड़ा भारी हो जाता है, तब के जो सेशंस होते हैं आपको उसमें हमारा एनर्जी लेवल भी पता चल जाएगा, थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ठीक है। सो इन गलतियों से बचिए, लगातार सीखते रहिए मार्केट के अंदर, इन लोगों के इंटरव्यूज देखते रहिए, जो सबसे महान लोग हैं उनके इंटरव्यूज देखिए, कचरा लोगों के इंटरव्यू मत देखिए, ठीक है ना, जो ये कहते हैं आपसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, उनके इंटरव्यू देखिए जो मार्केट के अंदर सबसे शानदार लोग हैं, उदयन मुखर्जी हैं, रामदेव अग्रवाल जी हैं, ठीक है, वॉरेन बफे के खुद के इंटरव्यूज देखिए, इन लोगों के इंटरव्यूज देखिए जो आपको सही चीजें निवेश के बारे में सिखाते हैं। उम्मीद है कि आज का ये सेशन न केवल आपके लिए फायदेमंद होगा बल्कि आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा भी। अगर सीख गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और ये जरूर बताइए कि लेवरेजिंग का इस्तेमाल करते हुए आपने मार्केट में आज तक कितना लॉस उठाया है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। FNO सेगमेंट का इस्तेमाल करते हुए आपने मार्केट में कितना लॉस उठाया है, और प्रॉफिट ज्यादा हुआ है या लॉस ज्यादा हुआ है ये जरूर बताइएगा, ताकि धीरे धीरे हमारी ये स्टडीज आपके लिए और बेहतर सेशंस लेकर आए। आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, जो हमें मिलती है, इन्हीं इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर हम अपने नए सेशंस बनाते रहते हैं आपके लिए, आपके साथ नॉलेज शेयर करते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में आप और आपका नॉलेज, सिर्फ ये दो लोग अकेले हैं, तीसरा कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, कोई बिजनेस चैनल, न्यूज चैनल या फिर कोई यूट्यूबर कोई मदद नहीं करेगा, सिर्फ आपका नॉलेज आपकी मदद करेगा। उसे लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ, सीखते रहिए, अपने और अपने पोर्टफोलियो का हमेशा ख्याल रखिए, और एक सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा, दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।